आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मधुपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में विजयदशमी के मौके पर शहरी क्षेत्र के श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा पूजा समिति, पुलापार दुर्गा पूजा समिति, पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति, कालीपुर टाउन दुर्गा पूजा समिति, डंगालपाड़ा दुर्गा, रेलवे न्यू कॉलोनी मिलन संघ दुर्गा पूजा समिति, लालगढ़ दुर्गा पूजा समिति, शेखपुरा दुर्गा मंदिर, हटिया दुर्गा मंदिर, पुरानी धर्मशाला दुर्गा मंदिर के अलावा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही माता रानी की पूजा अर्चना व दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों में अलग अलग टोली बनाकर श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन कराया जा रहा है। वहीं कमेटी में बाहर के किसी भी श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। पूजा को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहे। कोरोना काल में जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार पूजा मनाने व विधि व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा व कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने शहर के सभी प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों व मंदिरों का निरीक्षण किया। पूजा कमेटी के लोगों को प्रशासन के निर्देश पर पूजा करने की बात कही, कहा कि पंडाल में बेवजह भीड़ ना लगाएं। दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की है। इसके तहत शहर व ग्रामीण क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी को भी तैनात किया गया है। वहीं पूजा को लेकर प्रशासन विभिन्न पूजा पंडालों में व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि पर्व के दौरान किसी प्रकार की शांति भंग ना हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।